जर्नी चालू की थी ना, तो जो बीच में फोर व्हीलर के एक्सपर्ट्स मैंने ड्राइव करते हैं जो ड्राइवर्स, वो मेरे को पूछ रहे थे कि आप लद्दाख जा रहे हो स्कूटी पे, मीन्स स्कूटी पे वो लोग खुद माना बोले नहीं चढ़ेगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम दाचा। आप लोगों ने जैसे लास्ट वीडियो पे देखा, हम लोग यहाँ पे इस स्टैंड पे रह रहे थे रात को, और अभी मैं ये प्रॉपर एक अलग ही सा व्लॉग बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अंकल से बहुत इंस्पायर हूँ। अंकल अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम है विनोद कन्हैयालाल मंगतानी। हाँ, अंकल है महाराष्ट्र से। अंकल से हम लोग यहाँ पे आके मिले, तो अंकल आए और हमारे साथ बात कर रहा था। मैं ये स्कूटी देख के मैं सोच रहा हूँ ये स्कूटी लेके कौन आया। आप वो सुन के हैरान हो जाओगे, अंकल का एज है 50 years old man, प्रॉपर 50 पूरा 50 प्लस होगा शायद, अप्रॉक्सीमेट बना अप्रॉक्स नहीं सॉरी 50 प्लस। हाँ, तो अंकल ने अब पहले इनका सेटअप देख लो, पूरा सेटअप क्या हुआ है अभी, सब कुछ इधर ही है ना आपका। yes, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, लोग सोचते हैं कि हायर सीसी मोटरसाइकिल में ही बस हम लोग हाई पासेस को कवर कर सकते हैं, ठीक ना अंकल। तो अंकल ने कैसे ये डिसीजन लिया कि अंकल जुपिटर पे करेंगे ले लद्दाख का राइड, अंकल से हम एक बार पूछ लेते हैं। अंकल अब बताइए पहले कि मतलब आपका प्लान कब बना और कैसे बना, क्यों बना कि जुपिटर पे करेंगे आप राइड। एक्चुअली 4-5 months से ना मैं ब्लॉग्स चेक कर रहा था। अच्छा। यूट्यूब पे तो मोस्टली हर एक ब्लॉगर मना लद्दाख के लिए सोच रहा है जाने के लिए। हाँ, अभी ऐसा हो गया 2021 पे ज्यादा हो गया कि लद्दाख पे निकलने से, क्योंकि 1.5 साल से हर बंदा आराम से घर पे बैठा हुआ है। तो जैसे जैसे लोगों ने मना लद्दाख का ट्रैवल चालू किया, तो मेरे को भी मना इच्छा हुई कि मैं भी, मैंने एक्चुअली नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान किया था कि मैं पैसे जमा करूंगा और नेक्स्ट ईयर प्लान करूंगा। अचानक ऐसे माइंड में आया कि मैं यही साल निकल रहा हूँ, मींस अगले साल मौका मिले ना मिले। और रही बात कि ये मैं कहाँ से इंस्पायर हुआ, इससे पहले ना कोई बंदा टू व्हीलर स्कूटी पे आया है। बॉर्न टू राइड भी है जो सबसे पहले कर चुका है जुपिटर पे, कुछ यूट्यूब पे उनका लाइव करके कोई है बंदा जो ट्रैवल किया था, तो मैं उनसे एक्चुअली उन्होंने किया है, तो मेरे को लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, मेन बात ये है कि मैं अंकल से ये पूछूंगा कि मतलब कुछ दिक्कत आया क्या, क्योंकि अंकल अभी सोलो ट्रैवल कर रहे हैं। कोई ही भी दिक्कत नहीं आया मेरा, कहीं पे भी गाड़ी का मोशन टूटा ऐसा मुझे एहसास नहीं हुआ। मैंने इनफैक्ट ऐसे रियलाइज़ किया कि जो बड़ी बड़ी बाइक्स है ना, वो भी कहीं पे रुक रही थी, पर मेरा ये स्कूटर कहीं पे रुका नहीं। फॉर ये साथ दे रहे आपका मेन चीज़ है, क्योंकि आप इसके भरोसे आए हो और ये अपना साथ दे रहे हैं आपका। खाली नॉर्मल रोड्स पे ये उतनी स्पीड नहीं कवर पार कर रही है कि जितनी समझो एनफील्ड वगैरह करेगी, बाकी कहीं पे हायर एटीट्यूड पे भी कहीं ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी का मोशन टूट रहा है, नथिंग रियलाइज, बहुत इजीली कवर हुआ। आपने कहाँ से रूट शुरू किया इसको लेके थोड़ा बताओ। हमारे बांद्रा टर्मिनस में जिस ट्रेन में आया, अच्छा, उसी में मैंने अपनी टू व्हीलर गाड़ी डाल दी अप टू जम्मू। अच्छा, महाराष्ट्र से मतलब मुंबई से अंकल ने जम्मू भेज दिया था, उसी गाड़ी में मैंने ट्रैवल किया था। और नेक्स्ट डे मैंने जैसे मैं ट्रेन से उतरा, मैंने उसी टाइम अपनी गाड़ी भी छुड़ा दी। अच्छा। तो उधर से जम्मू से कौन सा रूट लेके कहाँ ट्रैवल किया आपने? जम्मू में मैंने वो नाइट स्टे किया, नेक्स्ट टू डेज में श्रीनगर में था, फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर। अच्छा। और फिर श्रीनगर टू कारगिल, कारगिल वाया द्रास करते हुए। अच्छा। फिर कारगिल से मैंने ले गया जी, ले में मीन्स वहाँ पे जो हमारे देश में के जवान हैं उसके ऊपर जो जो अच्छी चीज़ें थी, होल ऑफ मार्क करके ऐसे था, वो सब प्रोग्राम्स देखे, बहुत मना अच्छा लगा। अच्छा, ले में तो अंकल कोई यूट्यूब चैनल नहीं है अंकल का? बस नहीं, मैंने अच्छा ये मना घूमने के लिए मेरा कोई ये चैनल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है ना, ही फ्यूचर में मेरा ऐसा कोई प्लान भी है, जस्ट आई वांट टू एंजॉय। अंकल आप वैसे करते क्या हो? सर मेरा बिजनेस है। बिजनेस है, कौन सा बिजनेस करते हो? फूड प्रोडक्ट्स का। जो लोग बिजनेस के अंकल वगैरह आप लोग देख रहे हो गाइज, आप लोग मेरे जो सब्सक्राइबर है सभी ज़्यादातर मतलब यंग एज के हैं। अपने पापा को दिखाओ सबसे पहले, अपने मम्मी पापा को दिखाओ, अपने अंकल आंटी को दिखाओ, सबको दिखाओ, इंस्पायर करो सब लोगों को इनके जैसा जोश में। इतना 50 इयर्स पे ये निकल गया, मतलब स्कूटी पे करते हैं तो, लोगों को मैंने देखा है। वेरी फ्रैंक है ना, जब मैंने जम्मू से अपनी जर्नी चालू की थी ना, तो जो बीच में फोर व्हीलर के एक्सपर्ट्स मैंने ड्राइव करते हैं जो ड्राइवर्स,
वो मेरे को पूछ रहे थे कि आप लद्दाख जा रहे हो स्कूटी पे, मीन स्कूटी पे, वो लोग खुद माना बोले नहीं चढ़ेगी, डीमोटिवेटेड कर रहे हैं, डीमोटिवेट एक्चुअली नहीं कर रहे, वो भी अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि उनको वो लोग को उनका कहना है कि जब हम फोर व्हीलर चढ़ाते हैं ना तो कभी हमारी गाड़ी। और अंकल सबसे बड़ी बात ये है कि अभी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ये देख रहे हैं कि अंकल अभी लेह लद्दाख कंप्लीट करके वापस से चंडीगढ़ से निकल जाएंगे, मनाली होके चंडीगढ़ से निकल जाएंगे। मैं अपनी गाड़ी सेकंड को चंडीगढ़ में छोड़ दूंगा और उसी ट्रेन में मैं ट्रैवल करूंगा टुवर्ड्स मुंबई। सब लोग, मैं अंकल का तो कोई इंस्टाग्राम वगैरह है नहीं, तो आप लोग प्रे करना, आप इनको ही फॉलो करना। हाँ, तो मैं अंकल का नंबर ले लिया और बाई इनको ही थम करना और इनको ही सब्सक्राइब करना। हाँ, जैसे ये इंस्पायर हुए। हाँ, फ्यूचर के लिए मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि मैं भी अंकल के जैसे एज पे होके भी ऐसा एक राइड कर पाऊँ। यार मेरे को भी स्कूटी पे राइड करने का बहुत मन था मेरे एक्सपल्स लेके। अंकल आप मेरा जो चैनल है ना उसमें चेक कर सकते हो, मैं बाइक पे मेरा पिस्टन टूट गया था दिल्ली लाते वक्त त्रिपुरा। हाँ, से हाँ, वो मैं जब कुछ नेक्स्ट ट्रिप मारूंगा ना तो ये मेरी अभी 113 cc गाड़ी है, एटलीस्ट मैं 160 cc पे मारूंगा और टायर जिसके बड़े हो जैसे एप्रिला वगैरह। हाँ, उस पे ट्रैवल करना। अच्छा अच्छा, मतलब अंकल अभी बता रहे थे हम लोगों को कल रात को जाऊंगा नेक्स्ट ईयर। अच्छा अच्छा, मेरा भी स्पीति का प्लान है। अंकल प्रेफर कर रहे हैं, लास्ट 15 ईयर से बाइक नहीं चलाया अंकल, तो इसलिए स्कूटी पे कंफर्टेबल है, इसलिए स्कूटी पे ही निकल गया अंकल। मतलब समझ पा रहे हो, मेरे एक्सपीरियंस से ना मैं नेक्स्ट ईयर के लिए ना लगेज जितना मैंने कैरी किया है ना उससे मैं आधा कर दूंगा। लाइट लगेज मुझे रोज है ना हाफ एन आवर थोड़ा लगेज बनाने में लग रहा है, वो मैं मना ये बार के एक्सपीरियंस से सीखा कि मुझे ट्रैवलिंग करते समय खाली हैवी वुलन क्लोथ्स चाहिए। अच्छा, बाकी लुक पॉइंट ऑफ से कुछ जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। अच्छा, बाइक में आपने कुछ सर्विस वगैरह करवाया ये राइड के वक्त? यस, मैं घर से सर्विस करा के आया था। हाँ, फिर भी मैंने सेफर साइड ले में समझो जो मैकेनिक है। हाँ, उसको बोला आप मेरी गाड़ी पे राइड मारो और जो छोटी मोटी चीज़ें आपको दिख रही है प्लीज़ आप उसको क्लियर करो। मैं अच्छा, मना मेरे को आप लोग का जो चेन है ना। हाँ, उसमें आप रोज स्प्रे करते हो। हाँ, चेन, ठीक है, करते हम इसमें लोग? बेल्ट है। हाँ, तो क्या होता है, बेल्ट है, कभी ऊपर चढ़ाई चलते समय ऐसे हो सकता है कि बेल्ट में इशू आए। हाँ, तो मैंने उनसे खोल के बेल्ट भी चेक करवाया और मैंने बेल्ट कैरी भी किया है। वाह, मतलब फॉर सेफर साइड पूरा सेफ्टी लेके, मतलब कुछ दिक्कत ना आए क्योंकि ऐसी जगह पे रहे हम लोग राइड करने निकले हैं तो पूरा सेफ्टी लेके। जहाँ बीच में ऐसे ट्रैवल मना आए जहाँ पे मुझे आजू बाजू या मेरे को 10 किलोमीटर आगे और 10 किलोमीटर पीछे कोई बंदा दिख ही नहीं रहा था, मैं अलोन ही ड्राइव कर रहा था। मेरे को लगता है 2-3 घंटे तो ऐसे आए जो मुझे कोई बंदा ही नहीं मिला। अच्छा, हम लोग के लिए ये अच्छा है कि हम लोग आप ग्रुप में हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ग्रुप में क्या होता है, देखो वो बंदे की आपकी गाड़ी नहीं चली। हाँ, तो आप लोगों ने धक्के दे के उसकी गाड़ी ऑन कराई, फिर मींस ये ग्रुप में और फ्रेंडशिप में दिस इज अ बिगेस्ट प्लस पॉइंट। आपने अभी जो किया, मतलब सोलो राइड हो रहा है आपका ये पूरा, अभी मेरे को लोगों ने हेल्प भी किया, नो डाउट। मेरे को हर एक बंदे ने जहाँ पे समझो वाटर क्रॉसिंग का इशू था तो पीछे से पुशअप देते थे बंदे कहीं कहीं पे। अगर मैं इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए होता है जो वाटर क्रॉसिंग वगैरह में, तो हमेशा स्ट्रेंथ का जरूरत होता है। बहुत अच्छे नमने लोगों ने हेल्प किया, तो यही बस होप आप लोग ये अंकल का ये स्कूटी देख के इंस्पायर हुए हो। प्लीज अंकल के लिए बिग थम्स अप कर दो और कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्या सोच रहे हो। अपने मम्मी पापा के साथ ये वीडियो शेयर करो, अपने अंकल आंटी के साथ ये वीडियो शेयर करो, मैं यही चाहता हूँ। मैं तो सब्सक्राइब हिम एंड गिव हिम थम। मैं तो सुबह अपने पापा को वीडियो कॉल पे, अपने अंकल को वीडियो कॉल पे दिखा रहा था, पापा देखो आप मुझे भी करना है आपके साथ राइड। मैं सोच रहा हूँ पापा के साथ एक राइड करूँगा ऐसा। तो यही बस होप आप लोग ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में। टिल देन बी द मेडिसिन नॉट पेन। बोलना चाहेंगे और आप? चलो आप मेरे बेटे जैसे हो। चलो चलो, बेस्ट ऑफ लक, आराम से चला के जाइएगा। रियल हीरो इज हियर गाइस।